संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने समारोह में कहा कि आज का दिन संसद को प्रणाम करने का दिन है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश सर्वोपरि था। पीएम मोदी ने कहा कि आज संविधान बनाना होता तो बहुत मुश्किल होता, संविधान से देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, देश हित पर राजनीति हावी हो रही है, कई दल परिवार के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि विविधता वाले देश में संविधान एक सूत्र की तरह है, विपक्ष ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा निस्वार्थ सेवक ना हो तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। संविधान दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजन, कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, सीएम ने कहा कि संविधान से ही सबको अधिकार मिले। सीएम योगी ने कहा कि संविधान का संरक्षण भारत का हर एक नागरिक है। सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से साथ उभर रहा है। लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने राहत दी, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता देने का आदेश। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। सीएम योगी का कल गोंडा दौरा, चीनी मिल में लगे एथनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा अब परिवार नहीं ट्रक चला रहे अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कल रायबरेली दौरा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगी मंत्री। रायबरेली में जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बैठक करेंगी अध्यक्षता। जौनपुर के टीडी कॉलेज में भाजपा काशी क्षेत्र बूथ सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। नोएडा के सरकारी स्कूल में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ खाया मिड डे मील का खाना। संविधान बचाओ रैली में अखिलेश की हुंकार, सीएम योगी पर कसा तंज। चाचा शिवपाल पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा एक छोटा दल बचा है, उसे भी साथ ले लेंगे। हरदोई में अखिलेश यादव और ओपी राजभर की जनसभा कल, संजीला विधानसभा क्षेत्र के अतरौली में होगी सभा। 7 दिसंबर को मेरठ में सपा और आरएलडी की महारैली होगी, सूत्रों से खबर है कि अखिलेश और जयंत चौधरी रैली को संबोधित करेंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सियासी ड्रामा, सपा नेताओं ने गंगाजल से किया छिड़काव। देवरिया में समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ नेता अशोक कुशवाहा का किसान आंदोलन को लेकर बयान। हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता राम ज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका में गंदगी होने का आरोप लगाया। यूपी कांग्रेस कमेटी आज संविधान दिवस से 15 दिन का सदस्यता महाअभियान चलाएगी। लखनऊ में यूपी कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान शुरू, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया अभियान की शुरुआत। प्रयागराज में दलित की हत्या पर सियासत, प्रियंका गांधी ने फूलचंद पासी के परिजनों से की मुलाकात। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मायावती ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। मायावती ने बोला बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा दलित वर्ग के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने दिया सफाई संदेश, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में की साफ सफाई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने पुलिस को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हुए बदमाश। नोएडा में सुपरटेक के एमडी आरके अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज, 53 लाख बकाया न देने का आरोप। शामली में अपहरण के बाद युवक की हत्या, किडनैपर्स ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। लखनऊ में प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। कोंडा में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने मौका मुआयना किया। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। चालौन में कल हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, उधार पैसे न देने पर की थी हत्या। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में तेंदुए ने किया मासूम बच्चे पर हमला। बुलंदशहर में 2 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा, बाल काटने के पैसे मांगने पर हुई थी हत्या। अलीगढ़ के छर्रा इलाके में हुई लूट के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। गाजीपुर में चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा। चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर में शिक्षकों ने की शिक्षक की पिटाई।
लखनऊ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला, अलकायदा के लखनऊ कनेक्शन की तलाश में जम्मू कश्मीर में छापेमारी। औरैया पुलिस ने दो दिन में करीब 40 गौवंश को कराया मुक्त। जालौर में डीएमएसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। रेडीमेड कपड़े, फुटवियर और सोलर बैटरी पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। चंदौली में शुरू हुई धान की खरीदी, जिले में बनाए गए हैं 112 क्रय केंद्र। मंडली अस्पताल मिर्जापुर में सरकारी दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया। डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बाहर से दवाइयां लिखने पर डीएम ने लगाई रोक। ललितपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सहारनपुर जिले में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी, 3.5 महीने बाद देवबंद में कोरोना का एक मरीज सामने आया। सहारनपुर में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यातायात माह नवंबर में एक सप्ताह में ही 20 लोगों की मौत। हापुड़ पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग कर ठगी करने वाले 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर की बेहड़ तहसील में तैनात लेखपाल घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया। कुशीनगर में आज से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ाने शुरू हुई। आगरा के मुगल रोड का बदला गया नाम, अब महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा जाएगा नाम। देहरादून में सीएम धामी ने मंत्रियों के साथ मनाया संविधान दिवस। सीएम धामी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की कई विशेषताएं हैं। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया हरिद्वार के गोमानंद हॉस्पिटल में कैथ लैब और आईसीयू वार्ड का उद्घाटन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा चुनाव आयोग। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सितारगंज से दर्जनों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। टिहरी के घनसाली बाजार में लगने वाले जाम से लोगों को मिली निजात। चारोधाम के कपाट बंद होने और देव डोलियों के शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होने के बाद अब भक्त ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर सकेंगे। उधम सिंह नगर में एसआईयू के दरोगा से तमंचे के बल पर बाइक भी लूट ली गई। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी पर लग सकती है मुहर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा सरकार के निर्णयों को नहीं मानना बन गया है फैशन। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में मार्च तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार। मौलाना जट जिसने बीजेपी पर धमकी देने का आरोप लगाया, कहा अखिलेश राहुल का साथ देने पर जेल भेजने की धमकी। भारी बारिश ने दक्षिण भारत को किया बेहाल, तमिलनाडु के त्रिची में जल सैलाब। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस में लगी आग, दिल्ली से दुर्ग जा रही ट्रेन की 4 बोगियां जलकर राख। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को थाने कोर्ट से राहत, हाजिर होने के बाद गैर जमानती वारंट रद्द किया गया। दिल्ली विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र चला, सत्र में कृषि कानून समेत किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कृषि कानूनों की वापसी को बताया किसानों की बड़ी जीत। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम केजरीवाल, किसानों के हौसले साहस जज्बे और बलिदान को सलाम। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अब भी अड़े आंदोलनकारी। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की संख्या में इजाफा हुआ, बॉर्डर पर आज सुबह से पुलिस तैनात की गई थी। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने फिर लगाए बैरिकेड्स। बॉर्डर पर पुलिस के साथ आउटर फोर्स को भी लगाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्स भी भारी संख्या में तैनात रही। रेलवे ने दी बड़ी राहत, कोरोना के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ाई गई कीमत, वापस ली गई। कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने 157 गेंदों पर लगाया पहला शतक, डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 16वें भारतीय। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद नीदरलैंड क्रिकेट टीम अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 सीजन के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और हेनरिक नौटियाल को रिटेन किया। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपने पहले खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया। पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में 64 साल बाद किसी तेज गेंदबाज को यह उपलब्धि मिली है। 7 बार नेशनल चैंपियन रही दिव्यांग शतरंज
खिलाड़ी मलिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर WHO ने जताई चिंता। ब्रिटेन ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अस्थायी रूप से अफ्रीका के कुछ देशों से उड़ाने रद्द। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। तुर्की में हजारों लोगों ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रदर्शन किया। मिस्र में दो प्राचीन मंदिरों को जोड़ने वाली सड़क का कल भव्य अनावरण किया गया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ मस्ती भरे अंदाज में एक मजेदार वीडियो शेयर किया। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 का टीजर रिलीज हो गया है। थैंक्स गिविंग के मौके पर करीना कपूर के घर में एक शानदार पार्टी रखी गई। कैटरीना कैफ और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ अगले साल 15 जुलाई को रिलीज होगी।